नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अंत के प्रमुख खबरों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 में बंगाल में 35 सीटें जीतेंगी। अमित शाह ने कहा है कि इसके बाद सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। इस पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की धमकी कैसे दी जा सकती है। वहीं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह से कहा है कि बंगाल को उसका हक दे दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऑर्गेनिक खेती शुरुआती दिनों में सब्र का सौदा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपने जो पूंजी लगाई है वह डूब जाए। कृषि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि किसानों को छोटे स्तर पर पहले फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे दूसरी फसलों से उनका घाटा पूरा होता रहे। ऑर्गेनिक खेती में लागत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मुनाफा बहुत कम ही होता है। वजह यह है कि शुरुआती दिनों में किसानों को सही बाजार नहीं मिल पाता। घर से निकलने वाले कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकें। दरअसल यह कचरा अधिक समय तक एक ही जगह पर संग्रहित रहने से उसमें से जहरीली गैसें निकलना शुरू हो जाती हैं। साथ ही कचरे को जलाए भी नहीं तो इससे निकलने वाली हानिकारक गैसें भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। इसलिए घर से निकलने वाले कचरे को जब नगर निगम का वाहन आए तो उसे अलग थलग कर देना चाहिए, यही हमारे हितकर में होगा। नागालैंड के वनसोई गांव में मुरंग में लॉन्ग ड्रामा बजा रही ये महिलाएं बेहद खास है। नागालैंड में महिलाओं को लॉन्ग ड्रम बजाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि वे मुरंग में प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। वनसोई गांव के लोगों ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे इस भेदभाव को खत्म करने का फैसला किया और उन्हें मुरंग में जाने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल की काफी तारीफ की है। आधार आज के समय में कई काम के लिए जरूरी हो गया है। इससे कई जरूरी काम आसान हो गया और सरकार के लिए भी यह काफी मददगार साबित हुआ है। सरकार को तो सुरक्षा बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में भी आधार से मदद मिली है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों को भी हर कदम पर आधार की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि सरकार कॉरपोरेट फाइलिंग के लिए भी आधार को जरूरी बनाने की तैयारी में है। दिल्ली एम्स ने एक निजी संस्था के साथ मिलकर एप्स आधारित साइकिल सुविधा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत एम्स में 5 जगहों से यह सुविधा मिलेगी। दरअसल एम्स को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। वह अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को तैयार करने को लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाने जा रहा है और उसने लंबे समय से रुके अपने प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारत फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो में अमेरिका की ओर से दिखाए गए F-35A जेट को लेकर अपनी उत्सुकता दिखा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जापान के वाकायमा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मौजूद थे। राहत मिली है कि वह सकुशल है, उनकी निरंतर भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है। दिल्ली आबकारी मामले में CBI के सामने पूछताछ के लिए पेश होने से एक दिन पहले ही यानी शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा दावा किया है। आपके नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आज के महात्मा गांधी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही उन्हें खत्म करेंगे। सऊदी एयरलाइंस की कार्गो फ्लाइट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक पायलट ने हवा में विमान की विंडशील्ड टूटने की जानकारी दी थी, जिसके बाद फ्लाइट की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान शनिवार को रनवे पर सुरक्षित उतार लिया गया। लैंडिंग के पहले एयरपोर्ट पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित भी कर दी गई थी। बाद में विमान के सुरक्षित लैंडिंग के बाद फुल इमरजेंसी को हटा दिया गया। गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावे 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराए जाने को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि यह ऐतिहासिक निर्णय CSPF में स्थानीय युवाओं को संख्या बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर लिया गया है। जनता को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को होता है। सरकार आए दिन राहत देने के लिए योजनाओं में बदलाव भी करती है। इसी कड़ी में जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रौद्योगिकी विशेष रूप से AI की भूमिका पर विचार करने के लिए शुक्रवार को UN मुख्यालय परिसर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस परिचर्चा में ऐसे लोकतांत्रिक
सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने में एआई समेत उन प्रौद्योगिकीय नवाचारों और प्रथाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है जो एक समावेशी विकासोन्मुख टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज को मजबूत कर सके। भोजपुरी एक्टर द्वारा चलाए जा रहे फर्जी पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में भोजपुरी एक्टर वीके यादव समेत दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इंडियन पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट में करीब 500 छात्र छात्राएं पैरा मेडिकल के कोर्स कर रहे थे। अब जब इन छात्रों को पता चला कि इंस्टीट्यूट फर्जी है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बता दें कि उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए थे यहाँ एडमिशन के लिए। गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कटाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद शुरू कर दी है। वहीं गेहूं कटाई के बाद किसान उसके अवशेष यानी पराली को खेत में ही छोड़ देते हैं। देश में हर साल पराली का संकट रहा है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में पराली का प्रकोप देखने को मिलता है। अब अलग अलग राज्य सरकारें पराली प्रबंधन बढ़ाकर उसे कमाई का जरिया बना रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क नई तकनीक से इथेनॉल बनाने के लिए जाना जाता है, साथ में मेथनॉल भी बनाया जाएगा। वर्ष 2025 में यूपी में पराली से इथेनॉल और मेथनॉल बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वैसाखी पर्व के अवसर पर सिख समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार श्री नानक देव से कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने समर्थकों से देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम लेने से बचने की अपील की है। यहां पार्टी मुख्यालय में जदयू कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि इस तरह के नारे उनकी ओर से किए जा रहे काम को पटरी से उतार देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस की वजह से उनके जैसा सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति विधायक और सांसद बन सका। तेलंगाना के मंचेरियल में शुक्रवार रात जय भारत सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी उनके जैसे गरीब व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करती तो वह जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है। इसके लागू होने के बाद देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। NCF के 5वें एडिशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कई सारे बड़े बदलाव के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। ऐसे में आने वाले साल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलने वाला है। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हॉटस्टार और दूसरे पे प्लेटफॉर्म के उलट जियो सिनेमा क्रिकेट फैंस को फ्री में IPL 2023 देखने का मौका दे रही है। जाहिर है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग का मैच अगर मोबाइल पर फ्री में टेलीकास्ट हो जाए तो कौन नहीं देखना चाहेगा। लेकिन अब जियो सिनेमा अपने फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आई है। जियो को लेकर सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक अब इस प्लेटफॉर्म का फ्री में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जियो सिनेमा IPL के खत्म होने के बाद अपने यूजर से जल्द पैसा वसूलने वाली है, यानी इस प्लेटफॉर्म में फिल्में, सीरीज और दूसरे कंटेंट देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं पूर्व महाधिवक्ता विवेक तनखा ने NCERT के राजनीतिक विज्ञान 11वीं कक्षा की पुस्तकों से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम का उल्लेख हटाने के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि मुगलों के इतिहास को 100 वर्ष पश्चात विलोपित कर दिया गया, अब राजपूतों को भी विलोपित करोगे क्या। उन्होंने कहा है कि इतिहास का ज्ञान सबको होना चाहिए। आखिर हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाने की मांग कर सकती है। जैसा कि अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जब जब भारत की सुरक्षा का सवाल उठेगा तो देश की दूसरी राजधानी बनाने की मांग तेज होती जाएगी। एक बार तो उन्होंने हैदराबाद देश की दूसरी राजधानी बने इसका सुझाव भी दिए थे। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल रेलवे के निजीकरण का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पिछले कुछ समय से ये खबर काफी चर्चा में भी रही है कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार कई अन्य कंपनियों को भी प्राइवेट हाथों में दे सकती है। लेकिन रेल मंत्री ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। रेल मंत्री ने सदन में लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने पहले भी कहा है कि एक बार फिर से हम सभी को कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज तमिल संगमम के वास्ते पहले जत्थे को ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ी को मदुरै से झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की सराहना की है। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पुतांडू के विशेष अवसर पर मदुरै से वरावल की विशेष यात्रा का शुभारंभ ST संगमम अत्यंत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक है और उसने एक बहुत सकारात्मक वातावरण बनाया है। इस साल व्हाट्सएप में कई बेहतरीन फीचर अब तक आ चुके हैं। मेटा लगातार यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इसी बीच ऐप को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। दरअसल जल्द यूजर्स ऐप में मैसेज, वीडियो या इमेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन को एडिट कर पाएंगे। ये फीचर लोगों का काफी समय भी बचाने वाला है क्योंकि अभी तक लोगों को ये काम कॉपी पेस्ट करके ही करना पड़ता था।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू, गोलू कुमार, अंशुप्रिया, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर, साकिर हुसैन, अनवर आलम, अकबर अंसारी और एमडी दुलाल। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।